परो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला चला दिया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है चाचा जी के चैनल पर, है कि मतलब आए। चलिए तो आज हम बटियापा करने वाले हैं ओल्ड इज बोल्ड के बारे में। हमको पता, अब कुछ लोग बोलेंगे कि चाचा जी ओल्ड इज बोल्ड नहीं, ओल्ड इज गोल्ड होता है ऑलवेज। ठीक है, लेकिन हम जो दिखाने जा रहे हैं ना भैया, उस ससुरा बोल्ड का भी बाप है क्या, मुझे नहीं यकीन हो रहा है। चलिए दिखाते हैं, हम स्टार्ट करें। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कुछ ख्याल है? घर में मेहमान आए हैं। गरम गरम उबलती हुई दो धार, साथ में खनखनाते हुए दो गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया घोल। असलील है नौकर, ससुरा कहाँ बोले जा रहा है बताइए। क्या? हाँ, ये वही बोल रहा था जो तुम बोल रही थी। चलो जल्दी से ले आओ। घंटों का काम मिनटों में। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इस भाषा का नाम है संस्कृति और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नहीं तो क्या तुर्किस्तानी? लगता है तुम्हें पहेलियां बुझानी नहीं आती। अच्छा, पहेली है, बाप रे बाप। तभी हम सोचे क्या बोले जा रहे हैं, आई उबलती हुई दो धार, साथ में खनखनाते दो गोल गोल, मतलब ठीक है। इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं भी घुसाऊं? कहाँ? बिल्कुल सही, कहाँ छोड़िए, क्या घुसाएंगी, एक सेकंड, घुसाएंगी या फिर घुस आएंगी? मैं भी घुसाऊं? कहाँ? पहेलियों की दुनिया में। अच्छा, घुस आएंगे, ऐसा बोलिए ना, हमको लगा नेचर उलट पुलट होने वाला है। भाई बाप रे बाप, बच गए। हाँ तो मैडम जी घुसाइए, मतलब घुस आइए। बड़े शौक से हम आपका स्वागत करते हैं। ओके सुनिए, वो जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी। छी, आजकल की लड़कियां अगर लड़कों के सामने ऐसा बोलेंगे बेचारे वैसे ही मर जाएंगे हार्ट अटैक से खुशी के मारे, है कि नहीं? वो डालता था मैं रोती थी। चूड़ी वाला। ओह माय गॉड। अच्छा, चूड़ी वाले की बात हो रही थी, बाप रे बाप, हमको लगा चू ठीक है, आगे। अब हमारी बारी है, हम सुनाए? जी हाँ, शौक से। तो सुनो, अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुशेरा। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल सही, कहना क्या चाहते हो भैया, इका ही अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के हमसे नहीं बोला जाएगा, सॉरी। वन मिनट सुई धागा, सच में हमको लगा नर और मादा का। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा दूसरा कहिए। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकते। ये पहली नहीं है। बिल्कुल सही, ये अश्लीलता की सीमा क्षेत्र पार करते हुए मैदान जंग में खड़ा कटप्पा का वो तलवार है जो बाहुबली के पिछवाड़े में घुसा। अरे चाचा जी कहाँ बौड़ा गया आप? अच्छा सॉरी। हाँ तो कहाँ थे हम? बिंदिया और तिलक। बिंदिया और तिलक, ये कैसे हो सकता है? पहली क्या है? पहली मुझे मेरा नहीं दिखता। मुझे मेरा तिलक नहीं दिखता। अच्छा तिलक की बात हो रही थी, धर तेरी के, हमको लगा खैर हमको बहुत लग रहा है, थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए, हाँ तो दूसरा कौन सा था भैया? तुम अपनी देख सकती हो, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम आईने के सामने जाके खड़ी हो, तुम अपनी बिंदिया नहीं देख सकती? करेक्ट। अरे हाँ बिंदिया, धर तेरी के, हमको कैसे नहीं पता चला भाई, बिंदिया महिलाएं आईने के सामने में देख सकती है अपना, एक सेकेंड, तो हम पुरुष अपना तिलक क्यों नहीं देख सकते भाई आईने के सामने में? आई ये कौन सा बात हो गया, कुछ भी मतलब, आई कुछ भी। अरे सटिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल सही, मजा तो आता है भैया, उम्र चाहे जो भी हो। ऐसे हमको क्या देख रहे हैं, इनको देखिए, इन्होंने प्रूफ किया है एज इज जस्ट अ नंबर, वो भी 85 साल तक घोड़ी बनकर। वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। अरे बाप रे, ये तो कपड़ा खोला खोली वाला बात है। ए बच्चा लो, कान बंद करो जल्दी से। तो पारो ने पूछा,
ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया, ये चिड़िया है। अच्छा, चिड़ै चुनमुन की बात हो रही है, धर टेरी के। हाँ चलो खोल लो खोल लो। अरे कौन से कान खोल लो। पारो ने पूछा मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला चला दिया। क्या हुआ? अरे बाबूजी की गांड फट गई आपकी बातें सुनकर। क्या हुआ बाबूजी? अरे अरे चाचा जी कंट्रोल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस पर। आप लोग समझदार हैं, अपना अपना हिसाब से सब कुछ समझ लीजिए। मतलब पगला गई है महिला यार, कुछ भी बोले जा रही है। मतलब भाई का है, मुंडी तोड़ दी, अंडा फोड़ दी और घोंसला चला दी। पकड़ो। छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुठ मार के खाया जाए। भाई बस आज से प्याज खाना बंद। ससुराल एक तो वैसा ही कमजोरी छाया हुआ है पूरा, हमको और मजा नहीं लेना भैया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेना है। बाप रे बाप, पहले के जमाने में कहा डायलॉग से हुआ करता था भैया। मतलब भाई कुछ भी है। और कुछ सीनियर सिटीजन का कहना है कि भैया आजकल के जमाने में होती है गंदी मंडी अश्लील चीजें, और हमारे जमाने में हुआ करती थी साफ सुथरी असली चीजें। साफ सुथरी है आई, कौन से एंगल से ससुराई साफ सुथरी लग रही है बताइए। खैर छोड़िए, बुरा नहीं मानना है, ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है? तो किसी को बुरा नहीं मानना है भैया, ठीक है? एक बात और, हर जमाने में प्लस माइनस होता है, लेकिन जो जमाने के साथ चलता है वह ही सही होता है। ये सबको समझना पड़ेगा भाई, चाहे वो सीनियर सिटीजन रहे चाहे जूनियर सिटीजन रहे, जो भी है भैया, मतलब सबको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए तो आज के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो तादाद बढ़ेगी ना भैया। आए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बाय बाय।